अब बात करेंगे कोरोना की। अनलॉक टू के चौथे दिन राजधानी में कोरोना का कहर नजर आया। राजधानी में कोरोना के 67 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं और इस बार राजधानी में एक नया हॉटस्पॉट बना है और वो इलाका है इब्राहिमगंज, जहां से 33 नए पॉजिटिव मरीज एक ही दिन में सामने आ गए हैं। विक्टोरिया स्कूल के पास भी एक ही परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा 25वीं बटालियन का एक जवान भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। आकर्ष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, एक वक्त हमने देखा था जब राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद जो था वो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था, लगातार वहां से 40-50 मरीज रोज निकलते थे। सख्त कार्रवाई के बाद, नियमों का पालन कराकर, सख्ती से, डंडे के दम पर, किसी भी तरह वहां पर लोगों को कंट्रोल किया गया, लेकिन अब इलाका बदल गया। इब्राहिमगंज में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो ये साफ है कि आज जो है 67 मरीज सामने आए हैं, जो रिकॉर्ड है राजधानी भोपाल में एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीजों का। इसमें इब्राहिमगंज से 33 मरीज सामने आए हैं वहाँ पर। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, 33 मरीजों में सबसे ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। साफ है कि महिलाएं कहीं ना कहीं परिवार से ज़्यादा संपर्क में आती हैं, तो ऐसे में ये अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि आने वाले समय में इब्राहिमगंज में और कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने कंटेनमेंट इलाका घोषित कर दिया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता की जा रही मरीजों की और उसके बाद वहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है जिन लोगों में कोरोना के देखे जा रहे हैं। तो दूसरी बात मैं सोहेल बताना चाहूंगा कि 23वीं और 25वीं बटालियन के एक एक जवान भी संक्रमित मिले हैं। अनलॉक फेज टू की बात करें तो अभी तक औसतन 55 मरीज प्रतिदिन यहां से मिल रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस समय कोरोना फर्स्ट स्टेज पर था, 21 मार्च से 30 अप्रैल की बात की जाए, मतलब कि करीब 40 दिनों में प्रतिदिन 13 मरीज एक दिन में सामने आए थे। उसके बाद यदि हम बात करें 1 मई से 30 मई की तो 34 मरीज थे, और अब उसके बाद यदि 1 जून से हम 30 जून की बात की जाए तो वो बढ़कर आंकड़ा 49 पर पहुंच गया था। और अब अनलॉक फेज टू जिस तरीके से सामने आया, जिसमें गतिविधियां शुरू हो गई हैं, कुछ ही गतिविधियां हैं जिनको अभी रोका गया है, लेकिन अभी 4 ही दिन बीते हैं और औसतन 55 मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। हम मान रहे हैं राजधानी भोपाल का रिकवरी रेट देश भर में सबसे अच्छा है, मरीजों को जल्द से जल्द ठीक कर अपने घर भेजा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर संक्रमण को नहीं रोका जा रहा है सोहेल, क्योंकि एक दिन में 55 मरीज जिस तरीके से जुलाई महीने में 4 दिनों में मिले हैं, आज 67 मरीज मिले हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी है कि एक दिन यदि इस तरीके से संक्रमण फैलेगा तो कहीं ना कहीं बोलन गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। सोहेल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आकर्षक कहना था कि जैसे जैसे हम कोरोना के साथ आगे बढ़ते चले गए, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला गया, और अब जब देश अनलॉक टू में है, ऐसे में राजधानी में जो रोजाना मरीज सामने आ रहे हैं वो पिछले सभी रिकॉर्ड्स को धीरे धीरे तोड़ते चले जा रहे हैं। आज 67 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर उभर रही हैं।